एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका दिन? मेरा तो बहुत 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 ज़्यादा बिजी जा रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ शिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए मुझे बहुत 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 सारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उधर नए घर में भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है वॉशरूम में, और जब तक वो ठीक नहीं हो सकती तब तक हम यहाँ से सामान उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। कुछ सामान आ चुका है जो हमने नया ख़रीदा है और कुछ अभी ऐसे ही चल रहा है, मतलब पैकिंग चल रही है, लेकिन हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक चाबी उन लोगों के पास है। तो ये था मेरा एक क्विक अपडेट आप लोगों को बताने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो है वो कुछ डिफरेंट ही था क्योंकि आज मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मैं किचन की आइटम्स भी क्लीन कर करके रख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने आज माइक्रोवेव को भी थोड़ा सा क्लीन किया है क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो तो उसको साफ़ करने में टाइम लग जाता है, और इस सैटरडे मुझे शिफ्ट करना है तो इसीलिए तो मैं क्विक 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 थोड़ा काम कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जस्ट हल्का सा कपड़ा मारा और हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मेरी इजी पीजी सी ट्रिक शेयर की जाए जिसमें सिर्फ 10 मिनट में आप अपने माइक्रोवेव को एकदम क्लीन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था बस। और पीछे का बैकग्राउंड आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बैठकर तसल्ली से बैठकर वीडियो नहीं शूट कर पा रही, इसलिए मेरे दूसरे चैनल के लिए अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा बकड़ बकड़ कर रही हूँ, अभी इस बकड़ बकड़ को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने माइक्रोवेव को क्लीन किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्लीनिंग रूटीन मेरे माइक्रोवेव को क्लीन करने का। ये देखिए मेरा माइक्रोवेव कितना गंदा हो रहा है बाहर से भी और अंदर से भी। अभी शिफ्टिंग का टाइम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी क्लीन कर लिया जाए और शिफ्टिंग के टाइम पर मेरा काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्लीन करने के लिए एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है, ये भी कांच का है, बोरोसिल का है। इसमें मैं थोड़ा सा विम लिक्विड डालूंगी, आप कोई भी डिश वॉश डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ नींबू, आप चाहे तो एक नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो जितनी भी स्मेल उसमें इकट्ठी हुई हुई है माइक्रोवेव में वो ईज़िली क्लीन हो जाए और माइक्रोवेव जो है वो जर्म फ्री हो जाए और अच्छी फ्रेग्रेंस रहे उसमें। मैं ज़्यादा जो है नेचुरल चीज़ों की तरफ जाती हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप विम लिक्विड का कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे घर पे माइक्रोवेव वो बेकिंग सोडा नहीं है इसीलिए मैंने विम लिक्विड का इस्तेमाल किया है। चम्मच से मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी, पानी आप अंदाजे से ऐड कर सकते हैं, और इसे मैं अब माइक्रोवेव में रख दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि जितनी भी रो स्मेल है वो निकल जाए और डिश वॉशर की हेल्प से सारा का सारा जितना भी चिपका हुआ थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स हैं फूड पार्टिकल्स वो निकल जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे लगा दिया है हीट अप होने के लिए, और साइड बाय साइड मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। जिस तरीके से मुझे किचन क्लीन करनी है तो मैं अब किचन क्लीन कर लूँगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब माइक्रोवेव बंद हो गया है, अब मैं 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि माइक्रोवेव की जितनी भी हीट है वो इवेपोरेट हो जाए और पानी में कन्वर्ट हो जाए ताकि मुझे क्लीन करने में आसानी हो। तो इसलिए हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, आप चाहें तो पीछे से माइक्रोवेव बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव बंद कर दिया है और 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने माइक्रोवेव जो है अब पीछे से बंद कर दिया है। अब मैं कपड़े की हेल्प से वो जो पानी है वो निकाल दूँगी। वैसे ये ज़्यादा जो गर्म नहीं है बाउल, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी रखें, आप ग्लव्स पहने या कपड़े की हेल्प से इसे बाहर निकालें। और अब मैं बहुत ही ईजिली पूरे के पूरे फूड पार्टिकल्स बहुत आसानी से निकाल दूंगी और इससे पूरा जर्म्स फ्री हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके इसे निकालना है, बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। सबसे पहले मैं ट्रे को बाहर निकाल लूँगी और उसे एक बार कपड़े से क्लीन कर लूँगी, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। और एक बार मैं इसे फिर से वॉश करने वाली हूँ पानी से अच्छे से, तो जस्ट हल्के हाथ से मैं इसे क्लीन कर लूँगी ताकि जो थोड़ा मोटा मोटा है वो निकल जाए
और जर्म्स क्लीन करने के लिए मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। अब हल्के हाथ से मैं पूरे के पूरे माइक्रोवेव के ऊपर कपड़ा मार दूंगी। आप चाहें तो इसे हल्का सा जो पानी हमने यूज़ किया था उसमें डिप करके क्लीन कर सकते हैं, ताकि जितना भी चिपका हुआ पार्टिकल है वो निकल जाए। जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपके हुए होते हैं, उनको निकालने के लिए आपको हल्का सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं फटाफट से पूरा का पूरे चारों तरफ उसे क्लीन कर लूँगी, नीचे ऊपर और साइड्स पे। ग्रिल्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि आप टूथब्रश की हेल्प से उसे क्लीन करिए, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत अच्छे से नहीं होगा ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है आप उसे उतना क्लीन कीजिए। अब ऊपर की तरफ एक बार सूखे कपड़े से मैंने क्लीन कर लिया है। अब टूथब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से क्लीन करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रोड्स के ऊपर से जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन बाकी चारों तरफ से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन रहता है। आप आराम आराम से इसे क्लीन करने का ट्राई कीजिए, कभी टूथब्रश से कभी कपड़े से, तो जितना हो सकता है उतना हम इसे क्लीन करेंगे। एक बार अच्छे से मैं सारा इसे वाइप ऑफ कर दूंगी, ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ से, ताकि बाहर भी जो थोड़ी बहुत हमारे फिंगर्स के निशान होते हैं या किसी से भी होते हैं उसे क्लीन कर लीजिए। अब माइक्रोवेव तो हो चुका है क्लीन, लेकिन इसकी जो डिश प्लेट है उसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसी नींबू से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो नींबू हमने बाउल के अंदर डाला था उसे मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी। उसी डिटर्जेंट से मैं इसे क्लीन कर लूँगी और पानी से धो लूँगी। इससे फ्रेग्रेंस जो है वो भी अच्छी हो जाती है, और दूसरा आपका जो नींबू होता है वो वेस्ट नहीं जाता है। अब इसे अच्छे से वॉश करके मैं इसे साइड पर रख दूँगी सूखने के लिए, और जो पानी बचा हुआ है और नींबू जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उससे मैं जो आपकी कढ़ाई है या फिर आपका पैन है आप उससे इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये इसे भी साफ़ करने में आपकी हेल्प करता है। तो एक वीडियो में आपके दो काम हो गए, तवा भी आप अच्छे से क्लीन करना सीख गए और पानी भी और माइक्रोवेव भी क्लीन करना सीख गए। अब तीसरी चीज़ टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये है कि आपके पास ये जो डिश क्लीनर पड़ा हुआ है उसे हम वेस्ट नहीं होने देंगे, उसे भी हम रीयूज़ करेंगे। आपके पास अगर कोई लोहे की कढ़ाई है जिसमें से लोहे की या पेंट की स्मेल आती है, नई कढ़ाई है, तो उसमें आप ये डिप करके रख दें। इससे क्या होगा, जितनी भी स्मेल होगी वो निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा माइक्रोवेव क्लीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और आसान किचन क्लीनिंग टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और गॉसिप वाली भरी हुई वीडियोस देखने के लिए और मेरी लाइफ से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये जो नीचे लाल रंग का बटन है इसे हिट कीजिए, उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी हिट कीजिए, और ऑल टाइम रखें। ऐसा ना कीजिए कि सिर्फ हिट किया और छोड़ दिया, ऑल टाइम पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।